आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब गांव के नाली खरंजे के साथ ही मुख्य मार्ग कूड़ा और पॉलिथीन मुक्त होंगे। हर सरकारी कर्मचारी को अपने तैनाती स्थल पर सुबह 9:30 बजे अपनी आमद करानी होगी। सफाई सहित सभी कार्य समयबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करने होंगे। मुख्य विकास अधिकारी के इन आदेशों से कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। अब गाँव में तैनात सफाई कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकेंगे, उन्हें अपने तैनाती स्थल पर कार्य करना होगा। हर दिन अपने तैनाती स्थल पर हाजिरी समय से दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही 10-10 सफाई कर्मचारियों की टीम बनाकर गाँव के साथ ही मुख्य मार्गों की भी सफाई की जाएगी। इसके लिए सफाई कार्य की लंबाई और समय सीमा भी निर्धारित की गई है। 3 दिन में टारगेट पूरा नहीं होने पर संबंधित टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग गाँव में सभी गाँव पंचायत में पंचायत भवन में हम लोग अटेंडेंस सिस्टम ले आ रहा है। हर गांव पंचायत में 9:30 बजे सभी सरकारी कर्मचारी 9:30 बजे पहुँच कर अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करा कर फिर काम शुरू करना चाहिए। ये निर्देश ऑलरेडी हम लोग दे चुका है। सभी गांव पंचायत में ये काम शुरू हो रहा है। सभी गांव पंचायत को मुख्यमंत्री जी का आदेश के अनुसार हम लोग ग्राम सचिवालय घोषित कर रहा है। वहीं पे सभी सरकारी कर्मचारी का उपस्थित भी अनिवार्य कर रहा है। 9:30 बजे से उपस्थित वो अटेंडेंस में साइन कराकर अपने काम वो लोग शुरू करना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू साफ सफाई का अभियान के लिए ऑलरेडी गांव पंचायत में हम लोग प्लास्टिक कूड़ा उठाने के लिए एंड ये नाली का साफ करने के लिए अभी ऑलरेडी हम लोग अभियान चला था। उसके कंटिन्यूएशन से अभी हम लोग मुख्य मार्ग को लेकर कर आगरा का मुख्य मार्ग में लेकर कर हर ब्लॉक में 4-5 टीम उनका नंबर के हिसाब से हम लोग बनकर मुख्य मार्ग को दोनों साइड का प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अभी सेकेंड अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी के इस आदेश से सफाई कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्य करना होगा, तभी वो सैलरी के हकदार हैं। एक एक कर्मचारी के कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। सफाई कार्य शुरू हो चुका है। किसी भी विभाग में कार्य का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।